साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी से थोड़ा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आजकल मैं वीडियो कम बना पा रहा हूं समय का अभाव होने के कारण, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी जल्दी वीडियो दे सकूं। तो साथियों, आज का विषय बेहद खास है, हमेशा की तरह खास है। आज हम जिस विषय पर बात करने हैं वो आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ के बारे में है, और आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इस विषय के उन उन टॉपिकों पे बात करेंगे, उन विषयों को लेंगे जो विषय अधिकांश नहीं लिए जाते हैं, जिन विषयों से आप अधिक अवगत नहीं हैं, आज उन विषयों के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, आदि शंकराचार्य, मंडन मिश्र, ये मात्र एक शास्त्री लोग नहीं थे। शंकराचार्य जी के बारे में आप जानते हैं कि वे ब्रह्म ज्ञानी थे। योग की एक जो परम अवस्था होती है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था को पहुंचे हुए एक महान संत थे आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी को आज कौन नहीं जानता, उनके विषय में बहुत सारी कहानियां आपने सुन रखी हैं, तो उन कहानियों की ओर ना जाकर आज इस विषय पर बात करेंगे। और मंडन मिश्र के बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं, बस एक विद्वान के रूप में जानते हैं कि उनके शास्त्र उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो साथियों, यहां पर आप ये समझ लीजिए, मंडन मिश्र कोई एक सामान्य शास्त्री नहीं थे, वह भी ब्रह्म ज्ञान की स्थिति को पहुंचे हुए एक उच्च कोटि के साधक थे। ये आपने सुना होगा कि उनके घर में तोते भी वेद पाठ किया करते थे। जो तोते उन्होंने पाले हुए थे वो भी वेदों के श्लोक का उच्चारण किया करते थे, और उनकी पत्नी थी उभय भारती। वो भी कोई मामूली सामान्य महिला नहीं थी, वो भी ब्रह्म की अवस्था को पहुंची हुई एक उच्च कोटि की साधिका थी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वो पहलू आपके सामने रखने वाला हूं जो कि अधिकांश नहीं रखे जाते हैं। तो उस समय जो भी देश में प्रथाएं बनती थीं, जो नियम बनते थे सामान्य लोगों के लिए, वो ऐसे ही बुद्धिजीवियों के द्वारा नियत किए गए होते थे, जिनको कि राजा मान्य करते थे। राजा ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी योगियों से डिस्कस करके, कोई निष्कर्ष निकाल के, तब कोई नियम पारित करते थे, और सामान्य जन उन नियमों पर चलकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते थे। तो ब्रह्म ज्ञानियों में भी सभी का एक मत नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक अपार स्थिति है, एक अपार ब्रह्मांड की बहुत बड़ी स्थिति ईश्वर है। परमपिता परमात्मा कोई बहुत छोटा विषय नहीं है। तो अलग अलग जो ब्रह्म ज्ञानी हुए, उन्होंने ईश्वर को अलग अलग रूप से जाना। जिसने जिस रूप से जाना, जितना ठीक ठीक जान पाए, पूर्ण रूप से कभी कोई नहीं जान पाया। जितना जितना जो जो लोग जान पाए, जो जो ब्रह्म ज्ञानी जान पाए, उन्होंने उतनी उतनी व्याख्या की है। तो यहां पर थोड़ा वैचारिक मतभेद, एक विचार को लाना आदि शंकराचार्य जी का एक उद्देश्य था, जो उनका अपना विचार था, और वह एक उनकी दृष्टि में एक उत्तम विचार था। उत्तम विचार थे उनके, वो चाहते थे कि सामान्य मनुष्य इन नियमों का पालन करें, जिसके कारण वो एक अच्छे जीवन को जी सकें, एक उन्नत जीवन को जी सकें। इसीलिए वो एक धर्म प्रचार में लगे हुए थे, जिसके अंतर्गत जहां उनकी बातें नहीं स्वीकार की जाती थी, तो उन विद्वान से वो शास्त्रार्थ किया करते थे, और उसमें पराजित होने वाले को उनका शिष्य बन जाना होता था, या वो स्वयं पराजित हो जाएं तो वो उनका शिष्यत्व ग्रहण कर सकते थे। ये दोनों तरफ से नियम था, एक रूल था उस समय का। तो एक बहुत बड़े भूभाग को अपने विचारों से एकमत कराते हुए जब आदि शंकराचार्य बहुत सारे मठों की स्थापना करते हुए मंडन मिश्र
के पास पहुंचे और उनसे शास्त्रार्थ की इच्छा जताई या अपने विचारों को मान लेने की बात कही कि आप मेरे विचारों से सहमत हो जाइए और अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए। तो मंडन मिश्र उनके विचारों से सहमत नहीं थे तो उन दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शर्त वही थी जो हारेगा वो दूसरे को गुरु रूप में स्वीकार कर लेंगे, जो भी हारेंगे वो दूसरे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो साथियों इन दोनों विद्वानों के बीच में जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विषय आया कि इसका निर्णायक कौन होगा, इस वाद विवाद प्रतियोगिता का निर्णय कौन करेगा, क्योंकि राजा तो नहीं कर सकते, राज वही व्यक्ति कर सकता है जो बौद्धिक स्तर पर बौद्धिक लेवल पर इस योग्य हो कि किसी ऐसे विद्वान विद्वता भरी बातों में उच्च कोटि की बातों में स्वयं भी अपने अनुभव रखता हो। तो उस समय मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती का नाम लोगों ने सुझाया, क्योंकि उस समय मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के अलावा तीसरा वहां कोई भी नहीं था। यहां आप ये जान लीजिए मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती वे स्वयं एक बहुत बड़ी विद्वान और ब्रह्म योग ब्रह्म ज्ञान को पहुंची हुई योगिनी थी, उच्च कोटि की ध्यान की अवस्था थी उनकी। तो जिस दिन एक शुभ मुहूर्त में एक शुभ समय में उन दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हुआ और निर्णायक बनी उभय भारती। तो दोनों के बीच 3 महीना 16 दिन ये शास्त्रार्थ चला, निरंतर निरंतर एक से एक प्रश्न, एक से एक गुण प्रश्न, प्रश्नों की झड़ी लगी हुई थी और उत्तरों की झड़ी लगी हुई थी, एक से एक विस्मित कर देने वाले उत्तर और प्रश्न निकल कर आ रहे थे, सुनने वाले मंत्र मुक्त थे जो भी उस समय उन विचारों को सुन रहे थे। तो बड़ी ही अनोखी और सुंदर स्थिति बनी हुई थी। तो जब इस शास्त्रार्थ का अंतिम दिन, कोई निश्चित नहीं था कि आज अंतिम दिन होगा, लेकिन जिस दिन अंतिम दिन था इत्तफाक से अकारण किसी कार्य से उभय भारती को कुछ समय के लिए वहां से हटना पड़ा। अब उस बीच में कोई भी बात वार्तालाप होता है उसमें कोई ऐसी बात आती है कि एक पक्ष डाउन होता है या हारता है तो उसका निर्णय कैसे होगा। तो क्योंकि उभय भारती एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध महिला थी, बहुत एक ऊंचे स्तर की योगिनी थी, तो उन्होंने 2 पुष्पहार मंगाए और उन दोनों को, मंडन मिश्र को और आदि शंकराचार्य जी को, यहां पर लोग कह देते हैं कि उन्होंने स्वयं पहनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय नारी किसी भी पर पुरुष के गले में हार नहीं डालती। तो यहां पर आप समझ लीजिए ये मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए, क्योंकि उभय भारती ने स्वयं वो हार उन्हें नहीं पहनाए, तो उन्हें दोनों को 2 पुष्पहार पहनने को दिए गए जो उन्होंने अपने गले में डाल लिए। अब उन्हीं पुष्पहारों के आधार पर लौटने के बाद उभय भारती को निर्णय करना था कि स्थिति क्या है। तो कुछ समय पश्चात जो कि घंटों का था, जब उभय भारती लौटी तो उन्होंने दोनों पुष्पहारों का निरीक्षण किया, तो उसमें उन्होंने पाया मंडन मिश्र के जो पुष्प थे थोड़े कुमलाए हुए थे और आदि शंकराचार्य के पुष्प जैसे के तैसे थे। तो यहां यह समझ लीजिए उन पुष्पों के, मुरझाए हुए पुष्पों के आधार पर, जो मंडन मिश्र के गले के हार के फूल जो मुरझाए थे उसके आधार पर तुरंत ही विद्वान ब्रह्म ज्ञानी उभय भारती समझ गई कि मंडन मिश्र को बीच में किसी कारण से क्रोध आया है, किसी प्रश्न पर क्रोध आया है,
वाद विवाद में क्रोध आने के कारण जो बॉडी में हीट जनरेट हुई है उसके कारण वो पुष्प कुछ कुमला गए हैं, और उन्होंने तुरंत कहा आप लोगों के बीच वाद विवाद में थोड़ा श्री जी ने मंडन मिश्र जी ने क्रोध का परिचय दिया, क्रोध आया है ने क्योंकि प्रश्न ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो अतः मंडन मिश्र की हार हम स्वीकार करते हैं, आदि शंकराचार्य इस शास्त्रार्थ में विजेता होते हैं। अब आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से कहा ठीक है अब आप मेरा शिष्यत्व ग्रहण करिए, तभी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती बीच में आकर बोली विद्वान हे विद्वान संत अभी मेरे पति पूरी तरह हारे नहीं है क्योंकि पति का आधा अंग उसकी पत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है पत्नी, तो अभी तो पति मेरे पति मंडन मिश्र आप तो पूरी तरह हारे नहीं है क्योंकि आपने मुझे नहीं हराया है, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा तब ये पूरी मुझे हराने के बाद ही ये पूरी तरह हारेंगे, इनकी हार मानी जाएगी तब तक ये आधी बात होगी। तो आदि शंकराचार्य को इस बात को थोड़ा असहज लगा कि एक स्त्री से वाद विवाद करना, ये बात उन्होंने कही तो उभय भारती ने उनके तर्क को पहले गार्गी और बहुत सारी महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा जब इतनी महिलाएं पहले शास्त्रार्थ कर चुकी हैं, पुरुष और स्त्रियों के बीच शास्त्रार्थ हो चुके हैं तो फिर हमारे और आपके बीच क्यों नहीं हो सकता, और एक उचित अनुचित बात पर एक स्त्री और पुरुष क्या, हम एक उचित अनुचित बात पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है उस बात को आदि शंकराचार्य ने मान लिया। तो साथियों आदि शंकराचार्य का और उभय भारती का जो शास्त्रार्थ था वो भी रात दिन 17 दिन चला, और 17 दिन में आदि शंकराचार्य विस्मित थे कि जो मैं सामने जिस महिला से शास्त्रार्थ कर रहा हूं वो कितने गूढ़ प्रश्न, ऐसा कोई शास्त्र नहीं था जो बच गया हो, सारे शास्त्रों पर चर्चा गंभीर चर्चा हो चुकी थी और अपने दिव्य ज्ञान के आधार पर भी चर्चा हो चुकी थी, तो ये वो लोग थे जो शास्त्र लिख मतलब सिर्फ शास्त्रों पर बात नहीं करते थे, ये वो लोग थे जो शास्त्र लिखते भी थे, शास्त्र के निर्माण में इन लोगों ने सहयोग किया। जब उभय भारती इस बात को ठीक से जान चुकी, जान लिया उन्होंने कि सामने बैठे जो तेजस्वी सन्यासी हैं वो बहुत अधिक विद्वान है, उनसे जीत पाना बिल्कुल संभव नहीं है, तब उन्होंने एक ऐसे शास्त्र के बारे में प्रश्न पूछना प्रारंभ किया जिसके विषय में आदि शंकराचार्य बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्होंने एक बहुत कमजोर पक्ष आदि शंकराचार्य जी का पकड़ लिया, तो वो विषय था कामशास्त्र, तो उन्होंने कामशास्त्र से संबंधित तरह तरह के प्रश्न पूछना शुरू किया। अब आदि शंकराचार्य विचलित हुए और मंडन मिश्र भी बीच में बोले कि उभय भारती तुम कैसी बातें कर रही हो, एक सन्यासी से तो मैं ऐसी बातें करना शोभा देता है क्या, तो उभय भारती बोली क्या कामशास्त्र शास्त्र नहीं है, क्या कामशास्त्र कोई छोटा शास्त्र है, कामशास्त्र जिससे पूरा जीवन की उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, आप उसे छोटा शास्त्र मानते हैं। तो इस बात पर मंडन मिश्र चुप रह गए और आदि शंकराचार्य सर लटकाए बैठे थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं थे। उन्होंने कहा हे माता आप मुझे 1 महीने का समय दें, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, मैं परकाया प्रवेश के द्वारा इस अनुभव को स्वयं जानूंगा, स्वयं अनुभूत करूंगा, सारे विषय को जानूंगा, फिर 1 महीने बाद मैं आपको इस आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, फिर हमारा 1 महीने के लिए शास्त्रार्थ स्थगित किया जाए। तब उभय भारती ने आदि शंकराचार्य जी से प्रश्न किया ठीक है आप परकाया प्रवेश करके
करने के द्वारा इस अनुभव को प्राप्त कर लोगे, लेकिन उससे आप एक सन्यासी के हृदय में वासना और चित्त की स्थिति खराब हो जाने के कारण आपका सन्यास भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। तो आदि शंकराचार्य बोले, कोई व्यक्ति अगर पिछले जन्म में चांडाल हो और इस जन्म में ब्राह्मण, तो क्या उसके ब्राह्मण तत्व होने पर ब्राह्मण तत्व पर कोई फर्क पड़ेगा? अब उभय भारती निरुत्तर हो गई और उन्होंने एक महीने का समय दिया। अब आदि शंकराचार्य ने समाधि की अवस्था में जाके पता लगाया कि किसकी मृत्यु होने वाली है जो मेरे लिए योग्य है परकाया प्रवेश के लिए। तब उन्होंने देखा एक देश में एक युवा राजा जिसकी मृत्यु होने ही वाली थी, कुछ समय बाकी था, कोई बीमारी नहीं थी, स्वस्थ था, पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन मृत्यु होने वाली थी। जब योग दृष्टि से उन्होंने ऐसा देखा तो जो उनके शिष्य थे उन्होंने बताया कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मुझे सुरक्षित स्थान पर ले चले और मैं एक महीने के लिए शरीर छोड़कर जाऊंगा, इस बीच आप लोगों को किस तरह से मेरे शरीर की सुरक्षा करनी है वो सारे निर्देश उन्होंने अपने शिष्यों को दिए। यहां साथियों मैं जो समझाने चाह रहा हूं, जो विषय नहीं लिए गए हैं इसमें, वो विषय मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भी कोई योगी अपने शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर से के द्वारा निकलता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाहर निकलता है, तो वो कनेक्ट रहता है स्थूल शरीर से। कनेक्ट किस तरह से रहता है, जुड़ा हुआ किस तरह से रहता है कि एक नाभि में अदृश्य सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दिखने वाली एक सिल्वर कोर, एक सिल्वर का धागा जैसा, किरण जैसा धागा उसकी नाभि से और सूक्ष्म शरीर की नाभि से जुड़ा रहता है। अब सूक्ष्म शरीर लोक लोकांतर कहीं तक भी जाए तो वो सूक्ष्म जो सिल्वर कोर है वो जुड़ी रहती है, जिसके द्वारा योगी कहीं भी गमन करते हैं और वापस आसानी से अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हमारे शरीर के बहुत सारे केंद्र निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर सिल्वर कोर से हमारे कनेक्ट ना रहे तो बहुत सारे केंद्र हमारे निष्क्रिय हो जाएंगे और फिर से दोबारा से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रवेश करना संभव नहीं रहता। तो ये विषय मैं आपको बताना चाह रहा था, तो संभव नहीं होता। तो उन्होंने अपने शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर रखवाया और कई शिष्य एक महीने तक उस शरीर की सुरक्षा के लिए ध्यान के, अपने ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर उन शिष्यों को उनके उन केंद्रों को स्पंदित करते रहना था, उन केंद्रों को एक्टिव रखना था, उस बॉडी के, आदि शंकराचार्य की बॉडी के उन केंद्रों को अपनी योग शक्ति के द्वारा, जो कि आदि शंकराचार्य के शिष्य थे और वो भी बहुत महान योगी थे, तो योग के द्वारा आदि शंकराचार्य के शरीर में जो भी जरूरी आवश्यक केंद्र थे उन सभी को उन्हें योग शक्ति के द्वारा एक्टिव रखना था एक महीने तक, जब तक कि आदि शंकराचार्य वापस नहीं आ जाते हैं। अब ये काम उन्होंने संभाला। अब इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने वो शरीर अपना छोड़ दिया। अब सर उस शरीर से पूरी तरह स्वतंत्र होकर उन्होंने जो राजा के प्राण छूटने वाले थे वहां पहुंचे और जैसे ही उस राजा के प्राण छूटे और तुरंत ही वह उसके शरीर में प्रवेश कर गए, प्रविष्ट हो गए, तो राज्य में थोड़ा सा राजा की मृत्यु से एक दुख का माहौल बना था, लेकिन तुरंत ही राजा जीवित हो गए तो बहुत ज्यादा खुशी छा गई। तो साथियों राजा की बहुत सारी रानियां थी, अब राजा जीवित हो चुके थे, आदि शंकराचार्य उनके अंदर थे, तो आदि शंकराचार्य ने एक महीने तक काम शास्त्र का गूढ़ अनुभव किया उन रानियों के द्वारा और काम शास्त्र पर बहुत सारा अध्ययन किया, क्योंकि सन्यास जीवन में वो काम शास्त्र के विषय में भोगना तो छोड़िए कुछ पढ़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि सन्यासी को एक काम विषयक बातें नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक महीने में काम शास्त्र का भरपूर
अध्ययन किया और एक महीने बाद उस शरीर को छोड़कर, राजा के शरीर को छोड़कर, राजा की फिर मृत्यु हो गई। आदि शंकराचार्य वापस अपने शरीर में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने उभय भारती से फिर से शास्त्रार्थ किया और उस शास्त्रार्थ में आदि शंकराचार्य विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने काम शास्त्र की वो हर प्रश्न जो उभय भारती ने उनके उनसे किया, उन्होंने उसका बहुत सटीक और बहुत उचित उत्तर दिए और उभय भारती ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो साथियों, ये कहानी, ये सत्य घटना आदि शंकराचार्य, मंडन मिश्र, उभय भारती की, इसमें जो प्रसंग है, जो मैंने परकाया प्रवेश की स्थिति जो बताई, सिल्वर कोर वाली स्थिति बताई आपको, चक्र एक्टिव रखने की बात बताई आपको, और तीनों ही ब्रह्म ज्ञानी थे। अभी तक ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि मंडन मिश्र और उभय भारती एक शास्त्री थे, लेकिन ये वो लोग थे, शास्त्रों का अध्ययन तो करते ही थे, जो पहले ऋषि मुनि जो शास्त्र लिख गए उनका तो अध्ययन करते ही थे, अपने भी नियम और सिद्धांत बनाते थे ज्ञान के द्वारा, और स्वयं उनके शास्त्र आज उपलब्ध हैं। आदि शंकराचार्य के बहुत सारे शास्त्र उपलब्ध हैं जो कि आदि शंकराचार्य के द्वारा निर्मित हुए, जो शास्त्र उन्होंने लिखे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।